लालू के मुंबई पहुंचते ही मच गया बवंडर। मोदी साहब तो भागे भागे फिर रहे हैं, भाजपाइयों की टेंशन ही बढ़ गई है। सब सोच में डूब गए हैं कि अब आगे क्या होगा। लालू तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। पूरा विपक्ष अब एक साथ एक मंच पर आ गया है। सबके बीच चर्चा भी तेज हो चुकी है, चुनाव की रणनीति भी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार तैयारी तो देश फतह करने की है। जैसे जैसे बैठक की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे देश बेचने वालों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। डर लगने लगा है कि कहीं एक से बढ़कर एक दिग्गज देश के सामने भाजपाइयों की पोल ही न खोलने लग जाए। लालू यादव का खौफ भी विरोधियों के चेहरे पर दिख रहा है। आज से पहले कभी इतना डर देखने को नहीं मिला। गोदी मीडिया को तो दिन रात आसपास लगा दिया है कि कहीं से कुछ तो पता चले। लालू यादव भाजपाइयों को चित करने के लिए मुंबई में अपना धाक जमा चुके हैं। मुंबई में लालू यादव के कदम रखते ही भाजपा वालों को एक के बाद एक करके दौड़े आने लगे हैं। घबराहट में अंड संड बोल रहे हैं। बीजेपी वाले अब यही सोच रहे हैं कि आखिर लालू यादव का अगला मास्टर प्लान क्या होगा। लालू यादव ने कह दिया है कि अब वो तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी दिलाकर ही चैन से बैठेंगे। ऐसे में वो मुंबई में डील करने के लिए पहुंच गए हैं। डील भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इस डील से भाजपाइयों की लंका लगने वाली है। लालू यादव की सेक्रेट डील फाइनल होते ही पूरे भाजपाई खेमे को बड़ा सदमा लगने वाला है। इस डील से तेजस्वी यादव को बहुत फायदा होने वाला है। जैसे जैसे समय करवट ले रहा है, वैसे वैसे बीजेपी वालों की नींद हराम हो गई है। लेकिन बीजेपी वालों के लिए लालू यादव की चाल को समझना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजद सुप्रीमो की चाल को समझने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। लालू यादव को ऐसे ही किंग मेकर नहीं कहा जाता। केंद्र की सत्ता से लेकर बिहार की सत्ता तक अकेले ही अपने विरोधियों को पानी पिला देते हैं, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा 2025 और 24 के चुनाव में। लालू यादव जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। अब तो बात अपने बेटे तेजस्वी की है, तो वो कहां पीछे रहने वाले। ऐसे में बीजेपी वालों के लिए खतरे की घंटी यानी सायरन बजने की देरी है। इधर सायरन बजा उधर लालू यादव तख्ता पलट देंगे, भाजपाइयों का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि लालू यादव की डील मुंबई में फाइनल हो चुकी है। वैसे भी अब किसी भी वक्त बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। लालू यादव ने तो प्रण ले लिया है कि इन भाजपाइयों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। किंग मेकर रहे लालू यादव अब अपने विरोधियों का वो हश्र करेंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुंबई में सारा काम लालू यादव के मन के मुताबिक हो रहा है, जैसा वह चाहते हैं ठीक वैसा ही सब कुछ हो रहा है। अब लालू यादव अपने विरोधियों को परास्त करने में जरा सा भी समय नहीं लगाएंगे। अब अपने विरोधियों को वो धूल चटाकर ही दम लेंगे। एक कहावत है कि शेर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, राजा तो वही होता है। ठीक वैसे ही बिहार के सत्ता के राजा लालू यादव है। लालू यादव भले ही बूढ़े हो गए हों, लेकिन आज भी विरोधी उनसे थर थर कांपते हैं, क्योंकि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वह अपने दुश्मनों के लिए और भी खतरनाक साबित होता है। लालू यादव ने अपने सिपाहियों को कह दिया है, तैयार हो जाइए, कभी भी चुनाव होगा। ऐसे में एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। लालू यादव की यह बातें सुनकर विरोधी परेशान है। वैसे भी अब चाहे जो हो जाए, लालू यादव मैदान में पीछे नहीं हटने वाले। लालू यादव ने अपना मन बना लिया है कि बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का ताज दिलाकर ही मानेंगे।